नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमूची। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैसे तो आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है सर, पर फिर भी एक जो हम लेते हैं सवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा आपका परिचय। मेरा नाम सूरजपाल अमू है, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और करनी सेना नाम का संगठन जो विश्व में अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है, अच्छाई के लिए जाना जाता है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि करनी सेना अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है, साथ ही अच्छाई के लिए भी जाना जाता है। बहुत बार करनी सेना अपने जोशीले भाषण, उसके बाद ही जिस तरीके से हमेशा करनी सेना सुर्खियों में रहती है, इस बारे में भी जाना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। अब मैं हिंदुस्तानी हूँ तो जोशीला होना मेरी किस्मत है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और जोशीला हूँ, और आपने कहा तो मुझे अच्छा लगा दिशा। और प्रत्येक हिंदुस्तानी जोशीला है, उस प्रत्येक में से कुछ लोगों को हटा दो जो देशद्रोही हैं, जो हिंदुस्तान में रहने के बाद भी तालिबानियों का समर्थन करते हैं, उनको थोड़ा सा निकाल दो। अच्छा, तो उनका मैं विरोधी हूँ, था, हूँ, रहूँगा। अच्छा, जब आपने तालिबानी के समर्थन में कहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से तालिबान वाले समर्थन ऐसा किसी के कैटेगराइज किया है आपने किसी को? हाँ, एक मुनव्वर राणा है, कवि है, बहुत बड़ा कवि है, उत्तर प्रदेश का है, खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान और तालिबान का है। उसको हिंदुस्तान बुरा नज़र आता है, आमिर खान को हिंदुस्तान में डर लगता है, नसीरुद्दीन शाह को और शाहरुख खान को हिंदुस्तान में डर लगता है, परंतु इनको स्टार सुपरस्टार किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने, यहाँ की 100 करोड़ से अधिक आबादी ने, और इनको यहाँ पर डर लगता है, इन चीज़ों से आपत्ति है। ये लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, स्वरा भास्कर है वो भी तालिबान का समर्थन कर रही है, मुझे तो दया आती है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर कि क्यों भाई, ऐसा क्या तालिबान में देख लिया आपने? अगर आपको तालिबान वाले अच्छे लगते हैं तो काबुल के अंदर सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, लोग वहाँ से भाग भाग कर जा रहे हैं अन्य देशों में, आप जाओ ना वहाँ प्लॉट परचेज कर लो। एयर टिकट का पैसा करनी सेना देगी, मैंने पहले भी कई बार कहा, अभी कर रहा हूँ बीसी न्यूज के दिशा के सामने कि अगर भैया पैसा नहीं है तो हम दे देंगे। मतलब जितने भी तालिबान का समर्थन कर रहे हिंदुस्तान में वो जाके बस जाए, बस जाए वहाँ पर। अभी देखो, घर खाली हो गए, प्लॉट सस्ते हो गए, टिकट भी अब कोई एक तरह से कोई जितने में कहेगा तो फ्लाइट वाले ले जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट भर के आ रही है, खाली जा रही है, तो इन लोगों को जाना चाहिए, पैसा नहीं है तो हम देंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये लोग हिंदुस्तान के कभी सच्चे सिपाही हो नहीं सकते, हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। इन लोगों ने हमेशा खाया हिंदुस्तान का है, गाया पाकिस्तान और तालिबान का। आपने अभी बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स का जिक्र किया सर, कुछ का नहीं किया, आमिर खान, सलमान खान, स्वरा भास्कर और तैमूर के पप्पा का भी जिक्र करूंगा मैं, सैफ अली खान का। अच्छा, तो सर इसी बीच अभी कबीर खान ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि मुगल्स ने ही नेशन को बिल्डअप किया है, आपकी राय जानना चाहूंगी इस पर। मैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है, कबीर खान ने एक फिल्म बनाई थी एक तक टाइगर, अब मुझे लगता है हिंदुस्तान के हम जैसे लोगों को एक फिल्म बनानी पड़ेगी, एक था मुगलों का कुत्ता, कमाल है, नेशन बिल्डर मुगल, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इनको नेशन बिल्डर दिखते हैं, जिन्होंने देश के अंदर लूटपाट की, देश के अंदर हमारे मंदिरों को ढाया, हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनने पर मजबूर किया, ऐसे लोग नेशन बिल्डर कैसे हो सकते हैं? और कबीर खान इस प्रकार की बात करें, वो कबीर खान जिसकी फिल्मों को अरबों रुपए का व्यापार कराने वाले सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया, अगर थोड़ी भी हया शर्म है, कबीर खान साहब आपने बजरंगी भाईजान बनाई, आपने बजरंगी को भी भाईजान का हमने झेल लिया, कोई बात नहीं, एक अच्छी फिल्म थी, सलमान खान साहब ने उसके अंदर एक्टिंग करी, आपने स्टोरी बड़ी अच्छी बनाई, हमने आपकी तारीफ करी, परंतु आपकी हर कहानी को हम लोग बर्दाश्त करेंगे और झेलेंगे। कबीर खान, करनी सेना वालों के सामने गलती से मत आ जाना, तुम्हारा मुंह काला करेंगे, किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या भाषा क्या है इनकी, नेशन बिल्डर, वो कहते हैं इनको विलेन बना के दिखाया गया, मुगलों को हम लोगों ने विलेन बनाया, अरे विलेन थे, बाबर और औरंगजेब के बारे में
अगर ये कहता है वो मुगल जो है नेशन बिल्डर थे, तो मुझे लगता है इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। इनको इस प्रकार की भाषा के ऊपर रोक लगना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जब एक एक्टर या फिर डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो पूरी चीज़ों को अच्छे से जानता है, पहचानता है, उसके बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है, तो उनके हिसाब से उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा है शायद। मतलब हिंदुस्तान के जो हजारों इतिहासकार हैं, हजारों विद्वान हैं, उन्होंने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। दिशा ने और सूरजपाल ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। ये सबसे बड़ा बुद्धिमान कबीर खान है, सलमान खान के अब्बा हुजूर हैं सलीम खान साहब, इन्होंने इतिहास पढ़ा है, जावेद खान ने इतिहास पढ़ा है, मतलब इनको इतिहास की जानकारी है। हम लोगों ने लाखों साल पहले जब महाभारत बनी, रामायण हुई, गीता का उपदेश लिखा गया, तब कबीर खान कहाँ थे? 1400 वर्ष पुराना इनका इतिहास है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, परंतु जबरदस्ती कोई मुझसे सम्मान कराए मैं नहीं करता। हालात पता है क्या है, इन लोगों ने जो दिखाया, जो परोसा, हम लोगों ने झेला, हम लोगों ने इनको अमीर बनाया, सुपरस्टार बनाया, इनको हिंदुस्तान में अपने पलकों पर बिठाया, परंतु ये जब जब हमने इनको पलकों पर बिठाया, अपने माथे पर बिठाया, इन लोगों ने हम लोगों का अपमान किया, हिंदुस्तानियों का अपमान किया। अब हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू जाग चुके हैं, उनको असली और नकली की पहचान है, उनको शेर और कुत्ते की पहचान है, उनको अपने और पढ़ाई की पहचान है। तो मुझे ऐसा लगता है कबीर खान की शायद अब कोई जो फिल्म आएगी उसे पूरा देश उसका बहिष्कार करेगा। और इस क्योंकि वैसे ही कोरोना के चक्कर में थिएटर में कोई जा नहीं रहा, अब अगर कोई जाएगा भी तो इसकी फिल्म को कम से कम कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिशा कि इसने ये जो डायलॉग बोला है ये स्क्रिप्टेड है, इसने इसकी कोई या तो फिल्म आने वाली है, या ये कोई बवंडर खड़ा करना चाहता है, या इस प्रकार के कोई माहौल बनाना चाहता है जिसके कारण वो फिल्म सुपरहिट हो जाए, क्योंकि ये चाहता है कि कोई ना कोई, चाहे संजय लीला भंसाली हो, चाहे कबीर खान हो, चाहे आमिर खान शाहरुख खान हो, ये उस समय ड्रामा करते हैं जब इनकी फिल्म आनी होती है और वो फिल्म फ्लॉप होने वाली होती है, तो उसको हिट करने के फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई साजिश है, देश की जनता इसकी नीयत को, खासतौर पर कबीर खान की नीयत को गौर से सोचे, समझे और इसकी फिल्मों का बहिष्कार करें। कहीं ना कहीं आपने फिल्मों की बात की, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए करनी सेना बहुत बार हेल्प करती है? मतलब ऐसा हो जाता है कि उस मूवी के लेकर बहुत बार विवाद हो जाता है और उसके बाद वो मूवी लोग देखते हैं कि भाई साहब क्या है इसमें कि करनी सेना इसका विरोध कर रही है। मैं बीसी न्यूज पे एक बात कहूंगा, दिल से कहूंगा, निश्चित तौर पर पद्मावत फिल्म को सुपरहिट कराने वाली करनी सेना है। मैं इसमें देखो ईमानदारी से कह रहा हूँ, कारण कि उस फिल्म को 50 करोड़ का बिजनेस नहीं करती अगर पद्मावत फिल्म में जिस प्रकार की बदतमीजियाँ उसमें दिखाई गई थी उसका हम विरोध ना करते। 153 उसके अंदर कट लगे, और कट लगने का, क्योंकि मैंने तो मूवी का विरोध किया, मैंने आज तक ना मूवी देखी, परंतु जिन लोगों ने मूवी देखी उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों ने इनको 1000 करोड़ कमा के दिए, हाँ उसके कारण, हमारे विरोध के कारण पद्मावत को फायदा हुआ। हाँ, और कई फिल्में इस प्रकार की आई, हम समझ गए कि हम लोगों को भड़काते हैं, हम लोगों को जोश दिलाते हैं, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के इतिहास के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने कहा महाराणा महान थे, ये कहते थे अकबर महान है, अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अकबर महान नहीं महाराणा प्रताप महान थे इस प्रकार की भाषा वहाँ पर चेंज करी है। पुस्तकों में भी चेंजेस हुए हैं और अब ये और फिल्में ला रहे हैं, कभी पृथ्वीराज चौहान लाते हैं, कभी कुछ और लाते हैं। अरे कुरान शरीफ के ऊपर फिल्म बनाओ ना साहब, हमें क्या दिक्कत है, बनाओ, अच्छा आपके समाज के लोग देखेंगे। हमारे इतिहास को और हमारे धर्म को छेड़ते हो भैया, हमसे प्रॉब्लम क्या है? तुम अगर सच्चे मुसलमान हो तो दिखाओ ना अपने लोगों को, अपनी हिस्ट्री दिखाओ, बनाओ ना पीर पैगंबर के ऊपर, हमें अगर हमारे को अच्छे लगेगी तो हम भी देख लेंगे, परंतु अपने वालों के ऊपर फिल्म बनाओ। ये लोग जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, मैंने भी सलमान खान की पिक्चरें देखी होंगी, मैंने शाहरुख खान की पिक्चरें देखी होंगी, परंतु अपने समाज के, अपने धर्म के ऊपर बना के दिखाओ ना। एक और सवाल आपकी बातों से आया कि आपने बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स और बहुत लोगों को लिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड मुगल्स को फेवर करते हैं और करनी सेना के विरोध में रहता है? नहीं, मुगल के विरोध में अगर बॉलीवुड रहता तो बॉलीवुड की सोच बहुत नकारात्मक है। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया, मुगलों ने इस देश को कैसे लूटा, उन आताताइयों ने इस देश को कैसे खराब किया, उन लोगों ने कैसे हमारी बहन बेटियों के ऊपर, एक मैं बताना नहीं चाहता, महाराष्ट्र की एक कोई जगह है, मैं उस गांव का कभी फुर्सत में बैठूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो महिलाओं के पहनावे पर भी टैक्स लगाते थे, वो इस प्रकार के
उन्होंने टेक्स्ट थोपे थे जिनको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप हमारी बहन हैं, मैं कहना नहीं चाहता आपके चैनल पर इस प्रकार की भाषा, परंतु मुगलों ने जो जुल्म किए, उन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार किए, उन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए, जौहर किए। आज मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आज 26 अगस्त चित्तौड़ की महारानी पद्मनी ने आज 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। यही अलाउद्दीन खिलजी, जो मुगल जिनको कहते हैं, उसी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के वीरों को वहाँ पर पुरुष विहीन चित्तौड़ कर दिया था, वहाँ पर वीरों को कत्ल कर दिया था, कत्लेआम मचाया था। वहाँ की 16,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मनी के नेतृत्व में जौहर किया था। मैं ऐसी बहनों का बेटा हूँ, ऐसी माताओं को सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं उस देश का वासी हूँ, हिंदुस्तान का, जहाँ पर 16,000 वीरांगनाओं ने अपने 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 मान सम्मान की रक्षा करते हुए जौहर किया था। आज वही दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं करनी सेना का सीधा सीधा विरोध मुगलों को है? मुगलों का नहीं है, देश विरोधी लोगों का। मुगल तो हमारे विरोधी थे ही, हिंदुस्तान को लूटने वाले मुगल थे, बाबरी ढांचे को तोड़ने वाले मुगल थे, काशी के अंदर जो ढांचा खड़ा है ज्ञान बापी मस्जिद, उसको बनाने वाले मुगल थे, मथुरा के अंदर जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके ऊपर अवैध ढांचा खड़ा करने वाले भी मुगल थे। तो मैं औरंगजेब का सम्मान कैसे कर लूं, जो मेरे देश को लूटने के लिए आए थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी ने 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हार खाई, 17वीं बार ये धोखे से पृथ्वीराज चौहान के घर में घुस गया और उनको बंदी बना लिया, उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनकी हम तारीफ करेंगे? ये लोग हमारे हिंदुस्तान के कभी सगे थे नहीं, और अगर उनका समर्थन कबीर खान करते हैं तो निश्चित तौर पर वो पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है। कबीर खान को ये भुगतना पड़ेगा, मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ। कबीर खान के इस स्टेटमेंट की बात, करनी सेना की ओर से क्या सजा? सजा सिंपल सी बात है, जब मिलेगा करनी सेना वालों को, इसका मुंह काला करेंगे, गधे पर बिठाएंगे, इसका जलूस निकालेंगे। लोकतंत्र में मुझे अधिकार है विरोध करने का, मैं करूंगा ना इसका विरोध। करनी सेना वालों को मैं महाराष्ट्र में कह के जा रहा हूँ, मुंबई वालों को कह दिया, महाराष्ट्र वालों को, आज मैं नागपुर में आया हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए आज कह के जा रहा हूँ। कबीर खान को बताओ मुगल कैसे थे और हिंदुस्तानी कैसे है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अगर उसको मुगलों का पक्ष रखना है, मुगलों का समर्थन करना है, तो अभी भी उसको मैंने ऑफर दिया आपके चैनल पर, जाए तालिबान में, पाकिस्तान में जाए, वहाँ जाकर अपना घर बनाए, वहाँ जाकर फिल्में बनाए, खूब ऐसी बनाए, खूब मुगलों की तारीफ करे, वहाँ खूब शरीयत का कानून अब लागू हो रहा है, तालिबान वाले कर रहे हैं, उनके बीच में रहे ना जाके, हमें क्या आपत्ति है? हिंदुस्तान में इस प्रकार की सोच का व्यक्ति जो मुगलों का समर्थक है, उसको हिंदुस्तान में हम रहने नहीं देंगे। किसी को बुरा लगे लग जाए, हम स्पष्ट कह रहे हैं, हम जब किसी का अपमान नहीं करते, हम जब किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं बोलते, तो हमें बार बार क्यों छेड़ा जाता है? करनी सेना वाले हैं बिल्कुल दबंग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कबीर खान के खिलाफ करना चाहिए। जितनी तेजी आपने नारायण राणा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का दिखाया है, मैं बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अनुरोध करना है, करके जा रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर, कि कबीर खान के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसको जेल में डाला जाना चाहिए। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि करनी सेना की ओर से कंगना रनौत को प्रेडिक्शन दिया गया था और कहीं ना कहीं ये शिवसेना के विरोध में था, क्या हम इसको पॉलिटिकल इसमें जोड़ सकते हैं? कंगना रनौत हिंदुस्तान की बेटी है, और उस बेटी को अगर कोई राजनीतिक दल, चाहे वो शिवसेना हो चाहे कोई भी हो, वो ये कहे कि मुंबई में आकर दिखाओ, तब हमने कहा था कि महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में हम लोगों ने चैलेंज किया था, जिसकी माने दूध पिलाए, कंगना को मुंबई में आने से रोक कर दिखाया। तो करनी सेना ने, यानी कि इस करनी सेना के हजारों लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना का विरोध किया था और कंगना को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने में मदद की थी। वैसे तो मैं कंगना की दबंगई की भी मैं दाद देता हूँ, उसके साथ इतना अनाचार हुआ, दुराचार हुआ। मैं कंगना रनौत का सपोर्टर नहीं हूँ एज ए हीरोइन, मैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको धमकी दे रहे थे लोग। अगर दिशा के साथ या किसी और के साथ भी ऐसा होगा, या किसी और बॉलीवुड की कोई हीरोइन को कोई चैलेंज करेगा, तो हम उस बेटी के साथ भी हैं, हम कंगना के समर्थक हैं, इस करके नहीं है। उन्होंने एक बेटी को, हिंदुस्तान की बेटी को चैलेंज किया था, जिसको कई नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं,
हमने उसके समर्थन में कर्मी सेना ने एयरपोर्ट पे अपनी ताकत दिखाई थी, और भविष्य में भी अगर किसी बहन बेटी के सम्मान के लिए कर्मी सेना को मैदान में आना पड़ा तो हम आने के लिए तैयार है। अभी आपने इसकी कंगना रनौत की बात की कि अगर उसके साथ उसको कोई चैलेंज दे देता, तो सोचिए जरा कि अगर सारा अली खान जो तैमूर के पापा की बेटी है, अगर इसको उसके विरोध में कोई भी सरकार या फिर कोई भी ऐसा बयान देता है, तो क्या करनी सेना उसके सामने उसके साथ खड़ी रहेगी? सारा अली खान नवाब पटौदी साहब की पुत्री है, मैं गुड़गांव से हूँ, पटौदी उनके पूर्वजों की रियासत रही है। जहाँ तक पटौदी रियासत की बेटी की बात है सारा अली खान की, वो हिंदुस्तान की बेटी है, अगर उसके साथ कोई गलत करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, वो मुस्लिम समाज की बेटी है, इस करके हम उसका साथ नहीं देंगे, गलत। वो देश की बेटी है, हिंदुस्तान का सम्मान है, अगर उसको कोई बदतमीजी करेगा, उसको कोई चैलेंज करेगा, उसको कोई धमकी देगा, तो हम सारा अली खान के साथ हैं, परंतु तैमूर की मम्मी और पापा के साथ नहीं है। ये कर्मी सेना का खुला पत्र है करीना कपूर के लिए, चाहे वो जहांगीर की मम्मी है, चाहे वो तैमूर की मम्मी है। हिंदुस्तान में इस प्रकार के नाम रखने का मतलब है अभी भी इनके दिमाग में कबीर खान वाली सोच, मुगलों वाली सोच है, गई नहीं है, मुगल चले गए, परंतु अभी भी ये तैमूर को और जहांगीर को जिंदा रखना चाहते हैं, कबीर खान उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को हम समर्थन नहीं करते। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि मुगलों वाली सोच रखने वाले हर शख्स से कबीर सर आपका विरोध है? हमारा हर उस व्यक्ति से विरोध है जो हिंदुस्तान के विरुद्ध है, हमारा हर उस चाहे बॉलीवुड का स्टार है चाहे कोई भी है जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलता है, हिंदुस्तान के इतिहास को कुरेद कर हिंदुस्तानियों को अपमानित करने का काम करता है, हम उसके विरोधी हैं, और विरोधी होना भी चाहिए। कारण कि मैं हिंदुस्तान का टैक्स पेयर हूँ, वो लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मतलब नेशन बिल्डर ये लोग थे, तो इसका मतलब अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो भगवान राम के पिता थे उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने तो इसका कुछ किया नहीं। जो मुगल काल से पहले जो थे वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और मुगल काल के बाद जो थे, 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, जो बड़ी बड़ी सड़कें, अब नागपुर में हूँ, ये जो नितिन गडकरी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें बना दी, ऐसी सड़कें बना दी जैसे ऐश्वर्या राय के काल, इतनी प्यारी प्यारी सड़कें बना दी, इनको तो ये दिखती नहीं है, ये विकास नहीं दिखता कबीर खान को। कबीर खान नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करेगा, कारण क्यों, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, जबकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तारीफ करो ना जो देश का सचमुच विकास कर रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करो उद्धव ठाकरे की, हमें क्या आपत्ति है, परंतु ये मुगल कहाँ से आ गए? ये कबीर खान से पूछो, रात को उनकी अम्मी को सपना आया था, उनको सपना आया था, उनके अब्बा को फोन आया था, कारण क्या है? अब ये प्यार इतने सालों के बाद कैसे जाग गया? जब एक था टाइगर बनाई थी और बजरंगी भाईजान बनाई थी, तब बोल के दिखा था, तब दिखा दे उसको थिएटर के अंदर कैसे फिल्म चलाता। अरे कोई तरीका भी तो ना, मुगल कैसे अच्छे हो गए आज, कबीर खान जवाब दे। और मैं तो कह रहा हूँ सलमान खान को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्मों के स्टार जो हैं, और सलमान खान साहब, सलीम खान साहब, आपसे अनुरोध है, आपको कम से कम कबीर खान को बुला के दो चार ढिशुम तो मारने भी चाहिए। आपका कहीं ना कहीं मुझे विरोध ऐसा लग रहा है बॉलीवुड के जितने भी खान हैं उनको है, जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है, चाहे वो आमिर खान है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो नसीरुद्दीन खान है, उनका विरोध तो रहेगा साहब, क्योंकि वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों ने उनको सुपरस्टार बनाया, पलकों पर बिठाया है, सर पर बिठाया है, अब वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है, तो साहब विरोध तो हमारा होगा। मतलब बाकी जो ऐसा कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित है और खान उनके पीछे है, आप उनके समर्थक? ऐसा नहीं है, मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका समर्थक हूँ, अनेकों अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो मुसलमान थे जिन्होंने देश की आज़ादी के समय कुर्बानियाँ दी, मैं उनका समर्थक हूँ। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हम सबके सबके दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ, सिर्फ जो मुगलों का समर्थन करते हैं उनका हम नहीं, जो मुगलों का समर्थन करते हैं, जो आज भी हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तालिबानियों का समर्थन करते हैं, कर्नी सेना उनके विरोध में थी, है और रहेगी। एक आपके मुताबिक सच्चा हिंदुस्तानी कौन? जो अपने देश के तिरंगे से प्यार करता हो, जो देश के संविधान से, देश के कानून से प्यार करता हो, जो CAA का समर्थन करता हो, जो ट्रिपल तलाक के लिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हो, जो मदरसों में ना जाकर स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करता हो,
इस प्रकार के लोगों का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी हो। देश की अनेकों अनेक बहनें बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज में रहकर भी नाम कमाया है। सूर्य जी, और एक सवाल था कि महाराष्ट्र में आजकल आरक्षण को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, तो क्या कहीं ना कहीं आरक्षण मतलब करनी सेना में जितने भी लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए करनी सेना की भी आरक्षण के मुद्दे पर कोई मांग है, या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अगर महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देती है तो करनी सेना उसको समर्थन करती है। अगर महाराष्ट्र सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देती है, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब तो ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब बनिया भी हो सकता है, गरीब राजपूत भी हो सकता है, गरीब दलित भी हो सकता है, और दलित वो जिसको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, एक्चुअली उसको आरक्षण मिलना चाहिए जिसके घर में आज भी एक नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज जिसकी बेटी को अपनी बेटी को शादी करने के लिए उस दलित के घर में अब रामदास अठावले साहब को मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की आवश्यकता है। तो हम तो चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे। केंद्र ने भी, केंद्र की मोदी सरकार ने भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। हम तो उसमें भी करें कि और आरक्षण आर्थिक आधार पर बढ़ना चाहिए, परंतु महाराष्ट्र सरकार को गरीबों की चिंता करनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जब गरीबों की चिंता करता है तो मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब को भी, उद्धव जी को भी गरीब की चिंता करते हुए गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। मराठाओं के पक्ष में करनी सेना है, मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत बार ये सवाल उठे हैं, बहुत पहले ये सवाल उठे कि क्या भारत को करनी सेना चलाएगी या भारत का संविधान? भारत को चलाने वाला देश का संविधान है, भारत को चलाने वाले हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग हैं, भारत को संविधान ही चलाएगा, भारत का कानून भारत को चलाएगा, परंतु देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी करनी सेना को भी उतनी है जितनी मीडिया को है, जितनी और लोगों को है, जितनी वृंदा कारत को है, जितनी मोहम्मद ओवैसी को है। ओवैसी साहब नहीं है कभी जो अपने छोटे भाई का पजामा पहन के घूमते हैं आजकल उत्तर प्रदेश में योगी के विरोध में चल रहे हैं। परंतु देश में अगर कुछ गलत होगा तो करनी सेना उसका विरोध करेगी। अब किसी को करनी सेना की भाषा से आपत्ति हो भैया, मेरे को ये लगता है कि मराठा शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, वो हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़े थे, करनी सेना भी अन्याय के विरुद्ध लड़ रही है और लड़ती रहे। एक और बस आखिरी सवाल आपसे कि आज आप बीसी न्यूज के स्टूडियो में आए हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी करनी सेना के फॉलोवर्स हैं, उनको आप बीसीएन के माध्यम से क्या संदेश देंगे? बीसी न्यूज बहुत सबसे पुराना न्यूज चैनल है और मैं फॉलो करता हूँ, कभी कभी चुपचाप यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ। बीसी न्यूज के दर्शकों को मैं इतना कहना चाहूंगा, करनी सेना को आज दिशा के माध्यम से, बीसी न्यूज के मैनेजमेंट के माध्यम से मुझे आपके समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिला है। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में करनी सेना को सहयोग करने का हक उतना ही है जितना एक सच्चे देशभक्त को होना चाहिए। हम महाराष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, देश के विकास में नरेंद्र भाई मोदी के सहयोगी बने, इस प्रकार की बात मैं बीसी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ। मेरी आज फ्लाइट है, तो नेक्स्ट टाइम अब अगली बार दिशा के साथ बैठूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहुत मुद्दों पर हमने चर्चा की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी अन्य और चीज़ों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।